किसी भी, सही बात है, किसी भी संदर्भ में कहा हो, ये किसी भी संदर्भ में बयान दिया हो, लेकिन ये तो है ही नरसंहार। मुकेश जी इसका कोई खंडन भी नहीं कर रहे हैं और ना ही आप उसे आप मान रहे हैं, आप बस बोल रहे हैं हमें जानकारी नहीं है। खंडन तो करना नहीं मैम। मुकेश जी, दीपाली जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, जो आप, हाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग हेगड़े साहब ने किया है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है और ना करना चाहिए। लेकिन ये अनुशासन समिति जो भारतीय जनता पार्टी की है उसका संज्ञान लेगी और उसके हिसाब आप जो उचित कार्यवाही होगी वो भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो इसका संज्ञान लेकर के उसके ऊपर उचित कार्यवाही करेगी। आप ये अभी दो दिन तो उन्हें कुल मिलाकर के उसके बाद उनसे उनका नहीं वो बोल चुके हैं वो ठीक है, तो उनके ऊपर कार्यवाही। देखिए ऐसा है कि अगर आप अपनी अपनी छवि धूमिल करना चाहें, लेकिन वो बीजेपी के चुने हुए नेता है, उनके वो बीजेपी के एमपी है, तो वो अपने व्यक्तिगत क्षेत्र देखिए हर आदमी ये बीजेपी सुनिए मैं दीपाली जी ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी का आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। आप किसी व्यक्तिगत सांसद के वक्तव्य को आधिकारिक कैसे नहीं कह सकते और ना बीजेपी उस पर फिंगर कर सकते हैं। सांसद वो कोई नहीं वो क्या बीजेपी के किसी भी आदमी ने उनके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट किया? दीपाली जी अरे सपोर्ट नहीं किया तो कम से कम यहाँ पर कार्रवाई करते। अरे सर सपोर्ट कौन कह रहा है सपोर्ट करे, लेकिन एक सांसद दीपाली जी मैं कुछ कह रहा हूँ क्या कार्यवाही देखिये मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन कमेटी उसका संज्ञान ले रही है और उसके ऊपर उचित कार्यक्रम होगा, आपके सामने जल्दी आ जाएगा। लेकिन आप कहें कि मैं टेलीविजन के ऊपर लेकर के मैं उस पर कोई डिसिप्लिन एक्शन, मेरे क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं है वो, मेरा क्षेत्राधिकार है। ये तो आपके अधिकार में है कि नहीं है? दीपाली जी मुकेश जी आप ये बताइए क्या देखिए, अगर मैं उनके वक्तव्य को मतलब आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप ये चीज नहीं मानेंगे। डिबेट की दिशा को ही परिवर्तित कर रहे हैं। बात ये है कि यहाँ पर जो भी है मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, तो बिल्कुल भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बार ट्वीट किया है। देखिए मैं ऐसा है कि ये अभी उनसे बात करके जो भी प्रतिक्रिया होगी वो आपके पास आधिकारिक रूप से आएगी, मेरे पास अभी कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं है मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। और ये वाली बात इंटरनल कमेटी में डिस्कशन होगा, मैं किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने के लिए एक्चुअली क्या अरे आप नहीं सुनिए देखिए ऐसा आपके राहुल गांधी जी बहुत से वक्तव्य देते रहते हैं। आपके राहुल गांधी हमारे नरेंद्र मोदी को चौकीदार कहते रहते हैं। ठीक है
ठीक है, एक मिनट मुकेश जी, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आपको ही बोलेंगे ठीक है मुकेश जी, एक सेकंड, अब आप उसके बारे में तो बोलेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, आप जब तक आप मेरी बात नहीं, लेकिन चलिए मेरी बात बताइए, आपने बोला कि आप बहुत जल्दी BSNL अच्छा हो जाएगा आगे चल के, जब रनिंग पोजिशन में था, रनिंग पोजिशन में आपको BSNL मिला था तो ये हालत होगी, 2G स्कैम की आपने बात की थी, कितने लोगों को जेल भेजा, कितनी रिकवरी हुई, ये बता दीजिए जरा। दीपाली जी मैं 30 सेकंड मुझे दीजिए बिना किसी अवरोध के, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पिछले साल जो है पार्लियामेंट के पटल पर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि MTNL और BSNL का विलय होगा, और इसके अलावा कभी आज तक डिसइन्वेस्टमेंट की बात NDA सरकार ने नहीं करी है, जबकि कर सकती थी, लेकिन उनका इरादा ये नहीं है। वो भारत सरकार में आर्मी को दूर दराज एरिया में, अंडमान निकोबार में, अभी कभी इन्होंने बहुत लंबी 2500 लंबी सब लाइन डाली है, वो बहुत इनका प्रेजेंट